झरिया में बंद पड़े महिला समूह को दोबारा शुरू करने की पहल की जा रही है। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बस्ता कोल पंचायत भवन परिसर में इलाके की महिलाओं से मुखातिब हुई। वो इस दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि पहले इस भवन में महिला समूह का संचालन किया जाता था, लेकिन कोविड के दौरान महिला समूह का काम बंद हो गया, जिसे फिर से चालू करने की पहल शुरू की गई। आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो रॉ मटेरियल की है कि रॉ मटेरियल इनके पास नहीं है। जैसे यहाँ पर फिनाइल बनाने वाले हुए, झाड़ू बनाने वाले हो, चूड़ी बनाने वाले हैं, कुछ लोग जो है थ्री प्लग हीटर ये सब बनाते हैं, कोई पत्तल बनाता है। और मेरे पास भी और आइडियाज़ हैं, मेरे पास कई लोग बाहर से NGOs आते हैं जो महिलाओं को ट्रेन करना चाहती हैं। तो मैं जब तक पर्सनली खुद इनसे ना मिलूँ ना समझूँ तब तक मैं भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। तो उसी का एक प्रयास मैंने किया है। आज समूह के बहुत लोगों ने बताया है अपना समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या वो रॉ मटेरियल्स को लेकर है। और मैंने अपनी तरफ से ये आश्वासन दिया कि मैं अपने तरफ से जो है रॉ मटेरियल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।